अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और मेरे तीन बच्चे हैं, दो बेटियाँ एक बेटा, और मैं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। और अमोर वालों के साथ भी मेरा जो है थोड़ी सी हेल्प है मेरे साथ, के वो मेरा तामन भी करते हैं। और अभी मैं अमोर पैनल पे आ चुका हूँ और उनके साथ मिलके इंशाल्लाह काम भी करता रहूँगा, और जैसे वो मेरे साथ तावन करेंगे। जी भाई, मुझे जो ऑटो मैं चला रहा हूँ वो अमोर वालों ने लेके दिया है, और यानी कि जितनी भी बाहर से इमदाद आती है वो उससे हमारे साथ तावन करते हैं, और हमें वो जो सपोर्ट करते हैं जिससे हम अपना और अपने बच्चों का जो है ना वो गुजारा करके। भाई, मेरी टांग की प्रॉब्लम है बचपन से, और दो मरतबा मेरा एक्सीडेंट यानी कि हो चुका है। एक्सीडेंट से मेरा ये कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, घर से ही पाँव स्लिप हुआ और टांग टूट गई। उसके इलाज के लिए मैंने बहुत सारी जदोजहद करके जैसे भी वो अपना थोड़ा सा इलाज जो करवाया है, लेकिन अभी मेरा इलाज कंप्लीट नहीं है, जिसका मुझे अभी जो है वो निके दर्द भी महसूस होता है। अब इतना खुल के मैं काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा कर रहा हूँ। और डॉक्टर लोग जो हैं वो अभी भी मुझसे 1.5-2 लाख रुपये और मांग रहे हैं कि फिर लाएँगे तो फिर आपका ये इलाज होगा, लेकिन मेरे पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। वैसे जैसे ही मेरे साथ हेल्प होगी अमोर वालों की, वो मैं आगे इंशाल्लाह फिर अपना इलाज करवाऊंगा। 3.5 साल लात टूटी नाल रक्षा चलाया, जबकि मेरे पुलिस वाले ने चलान करने भी बाज नहीं आए। और जिस पुलिस वाले ने मेरी गल कही है कि भाई मैं अपनी लात फ्रैक्चर नाल मेहनत कर रहा हूं, बल्कि तुसी मेरा तावन करने की बजाय मेरा नुकसान कर रहे हो, मेरे चलान कर रहे हो, तो ना अगों ये गल कही है कि तेरे ते परचा किया जाएगा, तेन अंदर दे दिया जाएगा, तो दूसरे दी जाना ना खेडना पे। अगर मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पेट नहीं पालता तो क्या मैं सड़क पर बह के भीख मांगता, जो कि मैं अपने हाथों ना कमा के खा रहा। जो भी मजदूर मेहनत करता है उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो, बजाय कि उसकी हौसला शिकनी ना करो कि वह गरीब या तो खुदकुशी कर ले या वह किसी अगर तली फैला ले। तो मेरी सारे भरावों अगे यह अपील है कि जेड़ा मजदूर अपनी मेहनत करता है अपने खुद, वह कभी भी दिल ना तोड़ो या उन्हें बुरा भला ना कहो। और अक्सर मैं अपन विसाखियों के नाल कभी किसी दुकान पर कोई सौदा लैन चला जावा तो यही समझते हैं कि शायद कोई बेकारी आ गया, जबकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने दोनों हाथों ना कमा के रक्षा चला के मैं अपना पेट पाल रहा और अपने बच्चों का पेट पाल रहा। मैं सिवाए अपने अल्लाह की जात अलावा कभी किसी अगर तली नहीं फैलाई, क्यों मेरा हर अज़क भी वही है तो मेरा मालिक भी वही है। मेरा मालिक जानता है, ये मेरा मालिक जानता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अशमा जाहिद है, मैंने अजीज जहाँ बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से तालीम हासिल की, मैट्रिक के मेरे एग्जाम्स हुए हैं। अमोर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो हम जैसे स्पेशल और डिसेबल बच्चों के लिए काम करता है, और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम जैसे बच्चों को अपने आप को साबित करने का मौका दिया कि हम दुनिया को बता सके कि हम किसी से कम नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नातवानी करूँ, अमोर फाउंडेशन ने काफ़ी हद तक मेरी मदद की और मैं उनके पैनल पे हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम अलहमरा में थी तो मैंने वहाँ पे भी नात पढ़ी, और मिलाद में मिलाद था तो वहाँ पे भी मैंने नात पढ़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको टीवी पे लेके आएंगे, तो अभी इस बारे में प्लानिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं टीवी पे भी आऊँगी। और अमोर फाउंडेशन ने मेरे साथ बहुत तावन किया और बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, और अल्लाह ताला इनको बहुत सारी तरक्कियाँ दे और ये आसमान की बुलंदी है कुछ। उतरू तुझ में तो तू समझ सके, मैं कतरा कतरा दर्द ही हूँ। उतरू तुझ में तो तू समझ सके, खुद पर बीते तो तू जान सके, बना समझ क्या तुझे आएगी, बना समझ क्या तुझे आएगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मकीन अख्तर है, मैं पैदायशी तौर पे एक हाथ और एक पाँव से डिसेबल हूँ। अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक कर रहा हूँ, पहले मैं मुझसे नहीं हो पाया था, अब मैं कर रहा हूँ। और मैं साथ साथ मेरी एक्टिविटीज़ ये हैं कि पार्ट टाइम म्यूज़िक वगैरह भी सुनता हूँ, और म्यूज़िक यूट्यूब पे जो म्यूज़िक की वीडियोज़ वगैरह होती हैं उनको मैं खुद ही सुन के और खुद ही उसकी मैं रिहर्सल वगैरह करता हूँ। ठीक है, एक दिन मैं कर रहा था, मैंने अपनी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अपलोड की अपनी खुद ही, तो मेरा एक फ्रेंड है उसने देखी फेसबुक पे, तो उसने कहा कि यार एक डिसेबल पर्सन का एक इदारा है, उसका नाम है अमोर। अमोर वो एक डिसेबल पर्सन को प्रमोट करता है, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाता है, उनके टैलेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो वो मुझे इधर हो रहा था इनका प्रोग्राम अमोर एनजीओ वालों का, ये क्राफिस के लिए इनका एक प्रोग्राम था, छोटा सा स्टेज शो था, तो उधर मैं मेरा दोस्त जो मुझे लेके आया, तो उधर मैंने अपना परफॉर्म किया, अपना डांस वगैरह किया, तो उन्होंने फिर मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया,
ऑफिस में बुलवा के फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उन्होंने फिर मुझे अपने साथ रखा, तो मैं उनके साथ अब वर्किंग भी कर रहा हूँ और ये मुझे वर्किंग करने के एक्सपेंसेस भी देते हैं और जो मैं साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टडी का भी मुझे अखराजात वगैरह मिलते हैं और ये मैं अमोल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बहुत ही जद्दोजहद का काम किया है और भी स्पेशल पर्सन के लिए ये काम कर रहे हैं। अमोर स्पेशल पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जैसे मैं इनके साथ आया इन्होंने मुझे प्रमोट किया, ऐसे ही अमोर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को तलाश करके सामने लेके आ रहा है जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है, कुछ करने की सलाहियत मौजूद है, जैसे क्रिकेट हो गया, ऐसे कोई और खेलें वगैरह हो गई, म्यूजिक हो गया, एक्टिंग वगैरह हो गई, जो भी डिसेबल पर्सन के अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं, तो सो प्लीज़ अमोर के साथ कनेक्ट हों, अमोर के फेसबुक पेज पर रब्ता करें या आपके नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप प्रोमो एक क्लिप बना के अमोर को सेंड करें, अमोर आपको ग्रुप हरगिज प्रमोट करेगा और आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएगा। तो मैं तो अमोर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा और अपने साथ वर्किंग करने का मौका दिया और मैं अमोर के साथ अभी काम कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने कुछ बच्चे भी अमोर वगैरह को दिए हैं जो मेरे दोस्त वगैरह थे और इंशाल्लाह मैं और भी बच्चे अमोर को ला के दूंगा अपने जैसे डिसेबल जो कुछ करके दिखा सकते हो। तो अमोर एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए सोचने वाला इदारा है, उनकी लाइफ बनाने वाला इदारा है अमोर। इंशाल्लाह अमोर का एक चैनल भी आ रहा है अपना चैनल अमोर के नाम से जो सिर्फ स्पेशल पर्सन के लिए ही होगा, वो स्पेशल डिसेबल पर्सन को प्रमोट करेगा। सिंगिंग का शौक है और मुझे डांसर बनने का बहुत शौक है। मैं फर्स्ट टाइम अमोर में एज ए डांसर आया था, एज ए स्टेज पर मैंने डांस परफॉर्म किया था। बेसिकली मुझे ना स्वैगी सॉन्ग पसंद है जो हाल ही में पंजाबी जो सॉन्ग होते हैं वो उनके साथ स्वैग भी हो जाता है, थोड़ा सा रैप वगैरह भी हो जाता है और मैं रैप भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो साथ में मैं डांस भी परफॉर्म करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में एक अच्छा डांसर और रैपर बनूँ। किस कर्म में जीवन गुजरे है, बस देखा और अफसोस किया और चुपके से गुजर गया, बस देखा और अफसोस किया और चुपके से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान दीम है, मुझे पैदाइशी ये मसल्स का मसला है, मैं चल फिर नहीं सकता सही सहारे के बगैर। मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरा मैट्रिक क्लियर है, मैं आईकॉम पार्ट वन स्टार्ट है मेरा। अमोर फाउंडेशन मेरे पढ़ाई के तमाम एक्सपेंस उठाती है, मेरे वालिद साहब भी फोत हो चुके हैं, 14 साल हो, मैं अकेला ही भाई हूँ, मेरी वालदा ने सब कुछ मेरे लिए किया, 14 साल से वो काम कर रही, उन्होंने यहाँ तक के हमारी वजह से दूसरी शादी भी नहीं, मेरी माँ जैसी दुनिया में कोई माँ नहीं है, उन्होंने कभी मेरी हर ख्वाहिश पूरी, अल्लाह उन्हें हमारे सिरों पर हमेशा के लिए कायम रखे। अमोर फाउंडेशन हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत काम कर रही है, हमारे जैसे लोगों की वो जरूरियात पूरी करती है, इलाज वगैरह करवाती है, मेरा भी इलाज अमोर फाउंडेशन करवा रही है, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। मुझे खेल में क्रिकेट पसंद, अगर मैं सही होता तो मैं अच्छा बैट्समैन होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। मैंने अभी आपको सबसे बड़ी बात बता दी है कि मेरी माँ जैसी इस दुनिया में कोई माँ नहीं है। सॉन्ग बहुत शौक से सुनता हूँ, मुझे राहत अली खान का फैन, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं, के साथ सेल्फी लूं। अगर वो मुझे सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मुझसे मिलें और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी करें। मेरा दर्द तेरी ताज़ियत से, मेरा दर्द तेरी ताज़ियत से कब होता नहीं बढ़ जाता है, मेरा दर्द तेरी ताज़ियत से कब होता नहीं बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनान है, मैं फ्री मेडिकल कैंप में गया था, अमोर से मिला, मेरी आइस की प्रॉब्लम थी तो अमोर ने काम मेरा यानी किया था इलाज का, तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे बेहतर लग रहा था, स्टडीज का बहुत शौक, बस आइस की वजह से नहीं हो सकी और ब्रेन की वजह, और स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक था, नात खान का ज़्यादा शौक था। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसलम अलैका या हबीब अल्लाह, मेरे आका आओ के मुदर
تُوئی ہے میرے آقا او کے مود تُوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں یہ درد جو ہے یہ میرا ہے یہ درد جو ہے یہ میرا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے السلام علیکم میرا نام بلال مشتاق ہے میں لوہے کا کام کرتا ہوں میں پارٹ ٹائم پانی سپلائی کرتا ہوں فلٹر کا میں کسی کا محتاج نہیں سوائے سولر اپ کے المول کی طرف سے میں نے بینر پہ دیکھا تھا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے کیا میں یہ دوستوں نے مجھے بتایا ہے کافی میں پچھلے مرتبہ بھی آیا اس بار بھی ہے مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے ادھر آگے ان کے ساتھ میری پوری کوشش ہے میں ان کے ساتھ کام کروں مجھے پولیو کی شکایت ہے دو میں بچپن میں مجھے پولیو ہوا میری والدہ نے اتنی میری کوشش کی ہے شاید کسی والدہ نے نہ کی ہو میں کسی کا متعین میں سارا لے کے بھی چلتا ہوں ویسے میں چل لیتا ہوں مجھے پوری کوشش ہے جتنے میرے دوست ہیں ان کو بتاؤں المول کی طرف سے میں کوشش میری پوری ہے اللہ تعالیٰ ان کو المول کو ترقی اور دے میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے تو میری کوشش میں جتنے میرے دوست ہیں ان سے میں ملوں تو ان کو میں انشاءاللہ نیکسٹ میں آؤں گا لے کر آؤں گا انشاءاللہ سہولیات مجھے بہت ملی ہیں میں ادھر آیا ہوں تو مجھے سہولت بہت اچھی ملی ہے خرچہ بھی مجھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے انہوں نے میرا خرچہ بھی اٹھایا ہے تو میں ان سے ملا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں نے پہلے ان کا نام سنا تھا میں خدا آپ کو ملا ہوں تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا میری یہ خواہش المول انشاءاللہ المول پوری کرے گا السلام علیکم میرا نام ناصر یونس ہے اور میں صدر کینٹ کا رہنے والا ہوں میں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب جو ہیں میں تقریباً 6 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ آرمی میں تھے میں نے اس کے بعد ٹیلر کا کام سیکھا تقریباً مجھے 16 سال ہو گئے ہیں ٹیلر کے کام میں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے میرے پاس ٹرائی موٹر سائیکل ہے اس پہ میں آتا جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے اور ہمارا ایک ایونٹ تھا اوان ایک میں جس میں امور فاؤنڈیشن میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کافی اچھا میرے ساتھ یعنی کہ سپورٹ کیا مجھے اور ان کے ساتھ چل کے مجھے کافی مزہ آیا ہم جیسے لوگوں کے لیے امور کام کر رہی ہے یہاں آ کے کافی مجھے اچھا لگا ہے اور یہ کافی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں اور اسی سلسلے مجھے کافی سپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو شاپ بنا کے دیں گے اور اس میں آپ یعنی کہ ساری چیزیں وغیرہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ یعنی کہ سلائی وغیرہ کرنا ابھی بھی میں امور کی طرف سے میں کام کر رہا ہوں اور اپنی مزدوری میں کر رہا ہوں مزدوری یہاں سے کر رہا ہوں اور مجھے بھی یہاں سے پے بھی ملتی ہے جی میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ ہماری ہمت اور آپ ہمارا حوصلہ ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے آپ ہمیں ہمت دیں اور حوصلہ دیں تاکہ ہم اسے آگے بڑھا سکیں احساس کی درد کا میرا ہے السلام علیکم میرا نام علی محسن ہے 2.5 سال کا تھا جب مجھے پولیو ہوا دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلتے چلتے میں زندگی کا سفر شروع کر پایا مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میں بتا سکوں کہ میں کم تر نہیں ہوں باقیوں سے اس لیے میں نے ڈانس کی فیلڈ کو چنا بہت سے لوگ مجھ سے واقف ہیں وہ میری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں بہت سے لوگ اپریشیٹ کرنے والے بھی تھے لیکن ہاتھ پکڑنے والا ساتھ چلنے والا کوئی نہیں تھا کریٹیسائز کرنے والے زیادہ تھے کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جو مجھے اس فیلڈ میں آگے لے کے چلے کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی امور کی ٹیم سے ان لوگوں نے مجھ سے میرے بارے میں جاننے کی کوشش کی پوچھا مجھ سے کہ کیا چاہتا ہوں میں اور کیا کرنے کی ہمت ہے مجھ میں سب کچھ بتایا میں نے کہ میں اسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس پروفیشن کو لے کے آگے جانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو تو حیران کر پایا ہوں میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈسیبل معذور ضرور ہوتے ہیں محتاج نہیں ہوتے پھر میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سروائیو کرنے کے لیے جاب کی ضرورت بھی ہے گھر بھی چلانا ہے بہن بھائی بھی ہیں چھوٹے سب کچھ ہی دن سے مراد دو تین دن کے اندر امور نے مجھے جاب آفر کی مجھے رہائش دی فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات مجھے اسی فیلڈ میں میرے ڈانس جو میرا پیشن ہے اسی فیلڈ میں مجھے پروموٹ کر رہے ہیں اور میں کافی خوش بھی ہوں اس چیز سے الحمدللہ جہاں مجھے پہلے 50% لوگ جانتے تھے اب مجھے 80-90% لوگ جانتے ہیں اور جہاں میری ڈیمانڈ پہلے 40% تھی اب میری
मेरी 70-80 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। किस्मत की बात है, आगे आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये वाहिद एनजीओ है मैंने जो देखी प्रैक्टिकल करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, सिर्फ तमाशा नहीं बनाते, हमें पर्सनैलिटी बनाते हैं, हमें ऐसी शख्सियत बना के पेश करते हैं कि हमें फख्र होता है हम कुछ हैं। वरना तो हम सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं हम कुछ नहीं। अल्लाह आ कभी इस दर्द को मेरे साथ भी महसूस तो कर, देखो तेरे जिगर की ताकत, तेरे दिल की हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम, अय्याका नाबुदु वअय्याका नस्तईन। मेरा नाम इरम हमाद हसन अवान है और मैं अमोर फाउंडेशन की लीगल एडवाइज़र। तकरीबन कोई 6 माह पहले मेरी अमोर फाउंडेशन की सीईओ से मुलाकात हुई और व्हेन आई कम टू नो कि उनका मोटिव क्या है और किस इंटेंशन के तहत उन्होंने अपनी फाउंडेशन की बुनियाद रखी है, तो रियली मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई और मैंने अपना इनके साथ ज्वाइन हो गई और तब से लेके अब तक मैं काम कर रही हूँ। अमोर फाउंडेशन की बुनियाद बेसिकली 2012 में ही इनकी सीईओ ने रखी थी और ये अपने ऑन पर अपना काम कर रही थी और इन्होंने फाउंडेशन बनाने का इनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली जब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तकरीबन कोई 100 फैमिलीज को इन्होंने सपोर्ट किया अपने ओन पर विदाउट एनी सपोर्ट, इन्होंने खुद से ही जब किया और इन लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप इसे प्रॉपरली एक एनजीओ की शक्ल दें और ऐसे अफराद जो कि मजदूर अफराद हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो अमोर फाउंडेशन है इसकी बुनियाद इन्होंने एक ऐसे एहसास पे रखी है जिसको सिर्फ ये खुद फील कर सकती थी, बिकॉज शी इज ऑल्सो स्पेशल पर्सन और स्पेशल पर्सन होने के साथ शी इज वेरी नोबल और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि जो फीलिंग वो महसूस करती हैं लोगों में वही प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली उनका तो बहुत अच्छी फैमिली, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक मीडियोकर या एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लोग या बिल्कुल लो क्लास के लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो इन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड में आके देखा। जब इन्होंने ऐसे लोगों को देखा करीब से तो इन्हें अंदाजा हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वाकई मुस्तहिक हैं और उन लोगों में अवेयरनेस की इस कदर कमी है कि यकीन जानिए कि जब मैं खुद इस फील्ड में इन्वॉल्व हुई तो मुझे पता चला कि कितना प्रॉब्लम है। सिर्फ यही मजदूरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा मसला पेरेंट्स की अनअवेयरनेस है, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं कि अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करवाना है। अगर उनमें कोई वो मजदूर समझ के उन्हें बिल्कुल ऐसे कर देते जैसे रद्दी का एक ढेर होता है, कोई भी इतनी तवज्जो नहीं करता, मां सिवाय उन लोगों के जो कि जिनके हालात अच्छे हैं, वो अपनी औलाद को देख सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं और उनमें कुछ टैलेंट भी है और उनको उभार भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे बेसिकली अमोर फाउंडेशन ने जिन चीजों को देखा, इन वीक एरियाज को कवर करने की कोशिश की और उसमें वो बेहद कामयाब हुई, क्योंकि बेसिक मोटिव उनका यही था कि मैं इन बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उभारूं और उनको खुद एतमादी इस कदर दूं कि उन्हें पता चले कि उनकी भी जिंदगी में कोई ना कोई उनका काम करने का, जिंदगी में आने का कोई मकसद है। इस मकसद के तहत उन्होंने एनजीओ का बाकायदा तौर के ऊपर फाउंडेशन बनाई, 2016 में से रजिस्टर्ड करवाया। रजिस्टर्ड करवाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ टीमों को बनाया, उसके बाद उन बच्चों को रजिस्टर्ड किया। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 150 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा ख्वाजा सरा उन लोगों की भी काफी तादाद हमारे पास है जिनकी प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट करते हैं, उन लोगों को रोजगार मुहैया करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए जिन बच्चों के पास मौके नहीं मिले लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, वो काम सीखना चाहते थे लेकिन उन्हें उनके घर वाले अवेयरनेस नहीं दे रहे थे, तो हमने ऐसे पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया, बाकायदा हमने अपनी टीम तश्कील दी और जब वो टीम जाती थी तो उनके साथ बहुत ही बैड बिहेव करते थे। फिर हमारी दूसरी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, वो टीम जाकर उनको समझाती है कि आप अपने बच्चों के लिए के मुस्तकबिल को अच्छा बनाएं, ये बच्चे जो जिनको आप बोझ समझ रहे हैं ये कल को आपके लिए सहारा बनेंगे। और इस बात को हमने जब मोटिवेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिसको हम मोटिवेट करने में कामयाब हुए और आज उन्हीं बच्चों के बनाए हुए कपड़ों को हम अपनी बुटीक के जरिए से, अभी हम आपको अपनी बुटीक भी दिखाएंगे, उनके अंदर डिजाइनिंग की हुई और हमारी सीईओ खुद डिजाइन करती हैं, इनसे स्टिच करवाती हैं, उनको कुछ लोग जो यहाँ नहीं आ सकते उनको जाके घर में ये प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर वो ये सामान तैयार करके हमें देते हैं और हम इनके स्टॉल लगाते हैं और इससे आने वाली आमदनी से हम उन लोगों को खुद कफील बनाते हैं। अब इस तरह से एक तो हमारा ये भी मोटिव है कि हम इन लोगों को अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, अब सैलून भी बनाया हुआ है, हमारा सैलून भी चलता है, इसमें लड़कियों को ट्रेन किया जाता है, लड़कों और लड़कियों को जो डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, उनमें हम कहते हैं डिसेबिलिटी इज एन एबिलिटी, तो इस चीज़ को हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम आम बंदे पे भी देखें तो उसमें भी डिसेबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है वो क्रिकेट ना खेल सकता हो, सकता है वो पढ़ लिख ना सकता हो, उसने कोई और काम कर लिया। यही चीज़ अवेयरनेस हमने उन बच्चों में लाने की कोशिश की, उन लोगों के घर वालों में लाने की कोशिश की है जो कि स्पेशल है, हम लोग उन्हें स्पेशल ही कहेंगे क्योंकि स्पेशल
बच्चे कुछ ना कुछ करने का हौसला रखते हैं। हमारे पास टीम में ऐसे बच्चे हैं, अभी आप लोगों ने जिनका इंटरव्यू भी हुआ उनमें से अली मोहसिन है जो बच्चा बहुत हाईलाइट हो रहा है। इसके अलावा नाथ खान है, माशाल्लाह इस्मा है, ब्लाइंड है वो भी पढ़ रही है नाते। इसके अलावा हमारे पास पूरी क्रिकेट की टीम है, हमारे पास फास्ट बॉलर है जो जिसके दोनों बाजू कटे हुए हैं लेकिन वो फास्ट बॉलिंग करता है और दुनिया को हैरान कर रहा है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता अमोर की टीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जो लफ्जी मतलब है अमोर का मतलब है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इटालियन वर्ड को अमागोर, इसका मतलब है जस्ट लव नॉट सिंपैथी। हमारा मकसद ये है कि मोहब्बत इन लोगों से पैदा करें, इन लोगों के साथ आप एक ऐसी फीलिंग्स डेवलप करें जिसमें हमदर्दी ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जहां पर हम किसी स्पेशल पर्सन को देखते हैं या कोई उसकी, एक तो स्पेशल पर्सन में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी टेक केयर नहीं की जा रही और वो अपनी हालत ऐसी बनाती है कि उनको देखकर यूं लगता है जैसे वो बैगिंग कर रहे हैं, तो हम वैसे ही उन्हें नफरत की निगाह से लोग देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें, जो बेसिक अमोर फाउंडेशन की मेन थीम है, जो सबसे हटके उनका एहसास है वो यही है कि जस्ट लव नॉट सिंपैथी, हमें सबसे मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार करें। और इसी वजह से हमारा स्लोगन है कि हमें उजरत चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। हम लोग अपने जितने भी इस प्लेटफॉर्म से, अमोर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोगों को लेकर आ रहे हैं, हम उन्हें यही मोटिवेट करते हैं कि आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को उबारें। अब उसी टैलेंट को लेकर हम लोग नाथवानी का प्रोग्राम करवा रहे हैं, रमज़ान में हमारी ट्रांसमिशन चलेगी, मॉर्निंग शोज में हमारे बच्चे जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो वो उसको क्लासेस ले रहे हैं। अब जैसे हमारे पास स्टिच मास्टर है, अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन बच्चों को जो सीखना चाह रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनके पाँव भी नहीं है, वो डांस वगैरह भी करते हैं, पाँव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, उसके बावजूद वो डांस भी करता है और मोटर मैकेनिक का काम भी कर रहा है। मतीन उसका नाम है, अभी इंटरव्यू भी उसका चलेगा, आप देखेंगे। और वो बच्चा जोन सा है वो भी मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है और आगे बच्चों को सिखाना चाहता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि अमोर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी डिजेबल लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौके नहीं मिले, जिंदगी ने उन्हें ऐसा ऐसे प्लेटफॉर्म फराहम नहीं किया जहां पर वो अपने टैलेंट को उभार कर अपने लिए या अपने घर वालों के लिए कोई अच्छा खुद कफील हाथ बन सके, वो हमसे रابطہ करें। हमारे दिए हुए नंबर आप देख सकते हैं और जितना हो सके आप इन लोगों के लिए हमारी फाउंडेशन को डोनेट करें ताकि हम आपके लिए, आपके खानदान के लिए एक वसीला बन सकें। और दुआओं में भी याद रखिए क्योंकि ये दुआएं ही हैं जो हमारे अंदर एक ऐसे एहसास को जन्म देती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग आप लोगों के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे CEO जिनकी तमाम तर तवज्जो और तवज्जो का मरकज ही ऐसे लोग हैं क्योंकि वो खुद स्पेशल हैं, तो मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ उनको भी दुआओं में याद रखिए कि उनको जो इतना अच्छा मोटिव लेके वो चली हैं जिसकी बुनियाद ऐसे एहसास के ऊपर है जो हर बंदा फील नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश है कि आप इन नंबरों पे दिए हुए पे हमसे राबता करें और अपने इर्द गिर्द में जहां ऐसे बच्चों को देखे जिनमें कोई टैलेंट है, टैलेंट नहीं भी है, उनको भी हमारी तरफ रेफर करें। इनशाला हम लोग उनके साथ काउंसलिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उन्हें बताएंगे, उनके पेरेंट्स को भी बताएंगे कि आपका बच्चा बेकार नहीं है, इसमें भी टैलेंट है और इसको भी भरा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। देखो तेरे जिगर की ताकत, तेरे दिल की हिम्मत, हर सांस देख जरा। हर कदम एक मील की दूरी पर हो तो कैसा लगता है, अगर तेरी नज़र पर अंधारों के पर्दे हों तो आए समझ, अगर तेरी नज़र पर अंधारों के पर्दे हों।
हर कदम को लाठी टेक के चलना कैसा लगता है, लेकिन फिर भी तू क्या समझे, लेकिन फिर भी तू क्या समझे, तू क्या जाने दर्द के इस सफर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील जफर है और अमौर फाउंडेशन में मैं एज इंचार्ज स्पेशल पर्सन एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। अमौर फाउंडेशन का बेसिक कंसर्न वो यही है कि जो मज़ूर बच्चे हैं उनको खुद कफील बनाया जाए, जो घर वालों पे अपने डिपेंडेंट हैं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के हुनर प्रोवाइड किया जाए और जो उनके अंदर बिल्ट इन सलाहियतें हैं उनको उभारा जाए। अमौर फाउंडेशन में मेरा काम ये है कि मजदूर बच्चों के एक तो तलाश, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनसे रिलेटेड जितने भी अमौर हैं उनकी देखभाल करना। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स शो हो रहे होंगे, आप सबसे गुजारिश है कि इन नंबर्स पे हमसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। तुम क्या मेरा साथ निभाओगे दर्द के सफर में, तुम क्या मेरा साथ निभाओगे अपने सर पर जब आ पड़ी सब लगों में घबरा जाओगे, अपने सर पर जब आ पड़ी। मैं सफीर गम हूँ एहसास का मुसाफिर, है रंज मेरे अंदर एक दर्द का समंदर, ये सब मेरे जैसे हैं, ये सब तेरे जैसे हैं, इनका भी वही हक है जैसे कि मेरा हक है, जैसे कि तेरा हक है। इस सारी जिंदगी पर सारी जिंदगी बेहसी तो मौत का नाम है, एहसास कीजिए अपने लिए इन सब के लिए, मेरी तरह उमर के साथ। जब लम्हों में घबरा जाओगे, जब लम्हों में सदियां जीनी हो और हर लम्हा तशना तशना हो, जब प्यास हो सदियों की तो चंद लम्हों में कैसे बुझाओगे। जावेद इकराम नाम मेरा है, मैं अमौर फाउंडेशन में एज अकाउंटेंट काम करता हूं और जैसे कि नाम से आपको पता है कि इसका नाम का मतलब है मोहब्बत, हम मोहब्बत बांट रहे हैं उन लोगों में जो मज़ूर अफराद हैं और उन्हीं के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसके साथ साथ उनके अंदर जो छुपा टैलेंट है वो भी हम तलाश कर रहे हैं ताकि उनको ऊपर लाया जाए और आला सतह पर उनको एक अच्छा शहरी बनाया जाए। और अमौर फाउंडेशन के लिए भी ज़्यादा स्पेशल है कि इसकी जो इनकी सीईओ है वो भी खुद अमौर फाउंडेशन जो कि मजदूर अफराद के लिए काम कर रही है और उनके लिए इवेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं ताकि उनके अंदर छुपा टैलेंट को हम ऊपर लाएं और उनको एक आला शहरी और मौजूद शहरी बनाने में पूरी पूरी उनके साथ दिया जाए ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ साथ अमौर फाउंडेशन उन लोगों के लिए भी काम कर रही है जिसके जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों के लिए, उनके लिए अमौर फाउंडेशन ने कुछ इंस्टीट्यूट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं जैसे कि सिलाई का काम सिखाया जाता है और इसके अलावा बुटीक का काम है, इसके अलावा और दूसरी एक दिन में एक्टिंग वगैरह के लिए और नात खानी का भी जो है उनके लिए भी हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको ऊपर को उभरें और एक अच्छे मौजूद शहरी बने। इसके साथ अमौर ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी साथ में शुरू किए हैं जैसे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के साथ साथ ताकि उन लोगों को भी एक तिब्बी और तालीमी फराहमी की जाए ताकि वो अच्छे और मौजूद शहरी बन सकें।